खड़े थे उन सबके पास फ्रॉड के फोन आए, जिन्होंने कई लोगों ने तो पैसे दे भी दिए लेकिन टिकट नहीं मिली। तुम जा रहे हो हमें छोड़ के? हेलीकॉप्टर बैठने वाले हो आज? जो माता रानी की कृपा। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पायल और आप देख रहे हैं पायल का सफर। आपको पता ही है अभी मैं हूँ कटरा में। आपको नहीं पता तो इसका मतलब आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा, उसमें मैंने जयपुर से कटरा तक की पूरी जर्नी आपके साथ शेयर की थी। और आज हम जाने वाले कटरा से वैष्णो देवी। तो अभी हम होटल में हैं, होटल से निकलेंगे और कुछ खा के पी के उसके बाद में वैष्णो देवी की चढ़ाई करेंगे। कैसे करने वाले वो नहीं पता, घोड़े से जाने वाले, पैदल जाने वाले, हेलीकॉप्टर से जाने वाले, कुछ नहीं पता। लेकिन डिटेल्स मैं आपको सारी दे दूंगी कि आप कैसे भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बोलो माता रानी की जय। अभी हम लोग निकल गए और अभी हम जा रहे हैं यात्री पास लेने। वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यात्री पास लेना बहुत जरूरी होता है, चाहे आप कैसे भी जा रहे हो। आप किसी भी वे से जा रहे हो, हेलीकॉप्टर से जा रहे हो या ई रिक्शा से जा रहे हो या फिर आप घोड़ा करके जा रहे हो, लेकिन आपको यात्री पास तो लेना ही पड़ेगा। तो अभी हम यात्री पास लेने जा रहे हैं। आप आके आप कहीं भी पूछ सकते हैं, आसपास में आपके जो भी नियरेस्ट सेंटर होगा वहां से आप यात्री पास ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे हेलीकॉप्टर की इंक्वायरी करने कि हेलीकॉप्टर कितनी बजे का है, क्या अवेलेबल है नहीं है। अगर अवेलेबल है तो हम लोग हेलीकॉप्टर से जाने का प्लान कर रहे हैं, अगर नहीं है तो फिर पैदल जैसे माता बुलाइए वैसे चलेंगे। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं ये है यात्री पास काउंटर। ये आपको कटरा के काफी जगह पे मिल जाएगा। यहाँ आपको अपना नाम बताना है, एक आईडी प्रूफ दिखाना है, ये लोग आपकी फोटो लेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यात्री पास दे देंगे। तो अगर आपको हेलीकॉप्टर की ऑन द स्पॉट टिकट लेनी है तो वो निहारिका भवन में मिलेगी। निहारिका भवन बस स्टैंड पर ही है। तो अभी हम लोग हैं निहारिका भवन में। यहाँ पे हेलीकॉप्टर की टिकट्स मिलती है और एक्चुअली यहाँ पे मिलती तो 3 महीने पहले आपको बुकिंग करानी पड़ती है इनकी ऑनलाइन साइट पे। लेकिन अगर आपने नहीं कराई या आप ऐसे ही आ गए हो तो आप यहाँ पे निहारिका भवन में आके लाइन में लग सकते हो। यहाँ पे आपको टिकट तभी मिलेगी जब कोई कैंसिलेशन होएगा। इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, लोग बाग 3-3, 4-4 घंटे पहले आके लगे हुए हैं लाइन में, तब जाके उनको अभी टिकट मिल रही है। कोई कंफर्म नहीं है कि हमें टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, बट हम लाइन में लग रहे हैं। ऑलरेडी 1:22 हो चुके हैं। ये 5 o'clock तक ओपन रहता है क्योंकि उसके बाद में शायद हेलीकॉप्टर चलते नहीं है, 6 बजे तक ही चलता है। तो हम वेट कर रहे हैं माता रानी पे भरोसा रख के कि हमें शायद मिल जाए। तो लेट्स सी, हम 1-2 घंटे तो वेट करने ही वाले हैं अगर मिल जाती, क्योंकि ये सब कैंसिलेशन पे डिपेंड करता है। अगर कैंसिल हुई टिकट्स तो हमें टिकट्स मिलेगी। और अगर आप लोगों का मतलब 1 दिन बाद का प्लान है तो आप लोग मतलब जैसे अगर हमें कल की टिकट चाहिए तो हम कल सुबह 4:30 बजे आके लाइन में लगेंगे तो हमें 6 बजे अराउंड टिकट मिल जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम प्रे कर रहे हैं कि हमें आज ही टिकट मिल जाए। तो अभी लाइन में लग रहे हैं, पिछले आधे घंटे से लग ही रहे लेकिन अभी तक कुछ मूवमेंट नहीं है लाइन का। देखते हैं, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि हमें टिकट मिल जाए यार। अच्छा, एक ना बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी जो यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, होता क्या है कि यहाँ पे जिनकी खुद की साइट है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिनकी खुद की साइट है आपको वहीं से बुकिंग करानी है अगर ऑनलाइन करानी है। तो ऑफलाइन करानी तो मैंने आपको बता ही दिया, आप यहाँ पे आके करा सकते हो, यहाँ पे कैंसिलेशन होता रहेगा, आपको टिकट्स मिलते रहेगी। लेकिन ऑनलाइन करानी है तो सिर्फ और सिर्फ इनकी साइट पे करवानी है जो 3 महीने पहले मिलती है। कोई आपको फ़ोन करके बोलता है कि यार हम टिकट करवा रहे हैं, हम आपको टिकट करा देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको ऑनलाइन टिकट अदरवाइज मिल जाएगी, या तो इनकी साइट पर मिलेगी या यहाँ मिलेगी। इतने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे जितने लोग खड़े थे उन सबके पास फ्रॉड के फोन आए, जिन्होंने कई लोगों ने तो पैसे दे भी दिए लेकिन टिकट नहीं मिली उनको। तो ये आप बहुत ध्यान रखना, किसी का भी फोन आए आपको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है। उन लोगों को कोई टिकट नहीं दे सकता आपको, या तो इनकी साइट जो मेन साइट है वो आपको टिकट दे सकती है या फिर यहाँ ऑफलाइन मिल सकती है। तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है।
एक बार वीडियो पॉज करके आप ये बोर्ड अच्छे से पढ़ ले, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी भी लाइन में लगे हुए हैं हम लोग। मिलेगी माता रानी दिलाएगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, जरूर मिलेगी। फाइनली 1.5 घंटे की लाइन में लगने के बाद हमें टिकट्स मिल चुकी है। हमने तो हिम्मत ही हार दी थी, मुझे नहीं लगा था कि हमें मिल जाएगी, बट फाइनली हमें टिकट मिल गई है। अभी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि आपको लाइन में लगना होता है, वो आपको फॉर्म देते हैं, आपको फॉर्म के साथ अपना एक ID प्रूफ और अपना जो ये यात्री पास होता है वो डिपॉजिट कराना होता है, उसके बाद आपको टाइम स्लॉट मिलता है। तो अभी हम लोग ने अपनी अपना फॉर्म जमा करा दिया है, अभी हमें अपना स्लॉट मिलने वाला है, उसके बाद हम यहाँ से ऑटो पकड़ के डायरेक्ट वहीं जहाँ पे हेलीपैड होता है, मुझे नहीं पता कहाँ होता है, पता करके बताती हूँ आपको, वहाँ जाने वाला है। तो अभी बस टाइम स्लॉट का ही वेट कर रहे हैं। ऑलरेडी बज चुकी है 2:40 हो गया है, तब जाके अभी हमें मिला है, हमें टिकट दिए 2:40 की और आप देख सकते हो ऑलरेडी हो गए 2:48। ओह माय गॉड, पता नहीं हम कैसे पहुंचेंगे, भागते भागते पहुंचना है हमको। निहारिका भवन से निकलते ही आपको ऑटो वाले मिल जाएंगे, आप उनको कहें कि हमें हेलीपैड जाना है, वो आपसे 160 रुपीज लेंगे और आपको हेलीपैड तक पहुंचा देंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हेलीपैड टर्मिनल है, ऑटो वाला आपको यहाँ छोड़ेगा। आपको निहारिका भवन से जो स्लिप दी गई थी वो दिखाकर आपको अंदर एंटर करना है और अंदर टिकट काउंटर पर जाना है। इस टिकट काउंटर पे आपको पैसे जमा कराने हैं। निहारिका भवन में आपने ओनली डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे, पैसे आप यहाँ पर जमा कराने हैं। अगर आपको 1-way टिकट लेना है तो आप पर पर्सन 1800 जमा कराएंगे और अगर आपको 2-way लेना है तो पर पर्सन 3600 रुपीज जमा कराएंगे। उसके बाद आपका वेट मेजर किया जाएगा और वेट के अकॉर्डिंगली ही आपको हेलीकॉप्टर अलॉट किया जाएगा। इस प्रोसेस में आप अपने घर वालों से अलग भी हो सकते हैं। अबंग, हाउस द जोश, हेलीकॉप्टर बैठ रहे हो तुम आज पहली बार है, चल मजा आ रहा है। मैं तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है यार, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मम्मी आप हेलीकॉप्टर बैठने वाले हो आज है? जो माता रानी की कृपा। एक प्लेट 50 की जी जी, बढ़िया टेस्टी, सब डाल के देंगे, बनाओ एक प्लेट। हेलीकॉप्टर के एक्साइटमेंट में हम लोगों ने अभी तक सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, वही रात की रोटियां रखी थी वही थोड़ी बहुत खाई है। तो अभी आपको हेलीपैड वाली जो जगह है उसके जस्ट बाहर ही थोड़े बहुत ठेले मिल जाएंगे जहाँ पे आप चीजें बनवा के खा सकते हो। तो अभी कुछ फ्रूट चाट बनवा रहे हैं हम। उसके बाद जब आपका नंबर आएगा तो एक वैन आएगी और आपको हेलीकॉप्टर के स्पॉट पे ले जाएगी। ये हमारे बोर्डिंग पास, ये हमारी है गाड़ी जिसमें बैठ के हम ऊपर तक जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ आ तो चुके हैं लेकिन यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मुझे नहीं पता मैं दिखा पाऊंगी या नहीं दिखा पाऊंगी। अभी मैं और मेरा भाई रितेश एक हेलीकॉप्टर में जाएंगे और गौरव मम्मी पापा एक हेलीकॉप्टर में जाएंगे। ये लोग वेट से ही डिवाइड करते हैं कैसे जाना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश करूँगी बट पता नहीं मैं पूरा कर पाऊंगी। जा रहे हो हमें छोड़ के? मम्मी पापा का ध्यान रखना, ठीक है? अभी हम दोनों रह गए हैं, हमारे साथी जन जा चुके हैं, नेक्स्ट वाला हमारा है ना। मैं तो डर भी लग रहा है और खुशी भी हो रही। यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले आपके फ़ोन ले लेते हैं और जब आप उतरते हैं तब आपको फ़ोन रिटर्न किए जाते हैं, बट समहाउ मैंने मैनेज किया और एक फ़ोन मेरे पास रख लिया क्योंकि आपको ऊपर से व्यू भी तो दिखाना था।
यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, आप लैपटॉप लेकर बिल्कुल ना आए, वरना लैपटॉप वापस लेने के लिए आपको वापस यहाँ ऊपर हेलीकॉप्टर स्पॉट पर ही आना होगा, जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपकी टू वे टिकट नहीं है। हमें 4 से 5 मिनट लगे और हम हेलीकॉप्टर से नीचे उतर गए। हमने अपने फोन कलेक्ट किए और माता के दर्शन के लिए निकल गए। कैसा लगा मम्मी? बहुत अच्छा। पता भी चला नहीं चला? पता ही नहीं चला। बट अच्छा एक्सपीरियंस था। पापा बोल रहे 9,000 को गिने जितना टाइम भी नहीं लगा और 9,000 रुपए लग गए। तो हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद आपको दो वेज देखने मिलेंगे, एक कटरा मार्ग और दूसरा भवन मार्ग। आपको भवन मार्ग की तरफ जाना है। आप अगर हेलीकॉप्टर से नहीं आना चाहते तो आप पैदल भी आ सकते हैं। उसके अलावा आप खच्चर से आ सकते हैं, जो नीचे से भवन तक का 1250 रुपये लेगा। उसके अलावा आप पालकी भी कर सकते हैं, जो नीचे से ऊपर 3150 रुपये लेती है। उसके अलावा पिट्ठू भी किया जा सकता है, जो 540 रुपये लेगा। और आप चाहें तो अर्थकुमारी तक पैदल आ सकते हैं और अर्थकुमारी से आप इलेक्ट्रिक ऑटो में ऊपर आ सकते हैं। हेलीपैड से उतरने के बाद भी आपको अराउंड 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आप चाहो तो चल सकते हो, आप चाहो तो आप पालकी ले सकते हो या घोड़े पे जा सकते हो। हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। जय माता दी। अब शायद पहुंच चुके हैं हम, बस ये लेन क्रॉस करके लास्ट में माता का मंदिर ही है। हमें जल्दी करना है। एक्चुअली 6 बजे मंदिर बंद हो जाता है और ऑलरेडी 5 बज चुकी है। अगर एक बार मंदिर बंद हो गया तो फिर वो 9 बजे खुलेगा आरती के बाद। इसके बाद हमें भैरू बाबा के भी जाना है रोप पे, तो पता नहीं अभी क्या मिलेगा हमें क्या नहीं। यहाँ भागा दौड़ी मच चुकी है क्योंकि मंदिर बंद होने का टाइम हो चुका है और हम लोग अभी तक पहुँचे नहीं है मंदिर। अगर मंदिर बंद हो गया तो फिर हमें 9 बजे वापस दर्शन होंगे। माता का मंदिर 24 आवर्स ओपन रहता है, बस आरती के समय मंदिर के दर्शन नहीं किए जा सकते। और आरती का समय है मॉर्निंग 6:20 to 8:00 और इवनिंग में 7:20 to 8:30। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन्स, घड़ी, बेल्ट ऐसी चीजें ले जाना अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले लॉकर की सुविधा ले सकते हैं और अपना सारा सामान लॉकर में रख सकते हैं। अधिकतर भक्त वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। आप भैरवनाथ के मंदिर पैदल जा सकते हैं, घोड़े पे जा सकते हैं या पालकी से जा सकते हैं, और सबसे अच्छा तरीका है रोप वे से जा सकते हैं। भवन से भैरवनाथ का मंदिर 2 से 2.5 किलोमीटर है। अगर आप रोप वे से जाना चाहते हैं तो आप 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। यहाँ की आप पहले ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते। टिकट आपको सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मिलेगी, उसके बाद रोप वे बंद हो जाता है। रोप वे की आने जाने की टिकट है 100 रुपए और ये लोग एक बार में 100 लोगों को लेकर जाते हैं। नीचे उतरते समय भी आप पालकी, पिट्ठू, खच्चर कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग पैदल ही नीचे उतरे थे। आप भवन से अर्थकुमारी तक इलेक्ट्रिक ऑटो में जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक ऑटो की टिकट आपको भवन के बाहर ही मिलेगी, इसकी आप ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं।
ये आपको नीचे अर्धकुमारी से ऊपर वैष्णो माता के लेके जाती है, वैष्णो माता से अर्धकुमारी लेके आती है। तो नीचे से ऊपर जाने का इसका कॉस्ट है 354 और ऊपर से नीचे आने का इसका कॉस्ट है 236, क्योंकि नीचे ढलान होती है तो कम लेती है और चढ़ाई होती है इससे ज़्यादा लेती है। यहाँ देखिए कितने वैरायटीज़ की अखरोट मिलती है, यहाँ की अखरोट बहुत ही फेमस है, तो आप यहाँ से अखरोट खरीद सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी स्पाइसेस और काफ़ी चीज़ें हैं, प्रसाद है, तो आप यहाँ से थोड़ा कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं अगर आप पैदल आ रहे हैं तो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं नेक्स्ट वीक रिलीज करूंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।